जी मेरे पास टेक्नो का मोबाइल है, इसको प्रॉब्लम है, ये खुद ब खुद चार्जर कनेक्ट हो रहा है, OTG कनेक्शन ये आप देख सकते हैं, चार्जर से कनेक्ट नहीं किया हुआ और ये ऑप्शन आ रहा है चार्जिंग कनेक्ट डिवाइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, अब इसका हल करते हैं हम और आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसकी बैक उतार लेंगे, सिम जैकेट मैंने निकाल ली है, ये बैक उतार लेंगे इसके बाद। फिंगरप्रिंट दबा के उठा लें इसको, बैक को कर रही है। तो फ्रेंड इसको अभी पूरा सेट खोलने की जरूरत नहीं है, जस्ट चार्जिंग फ्लेक्स वाला हिस्सा खोल लेंगे इसका। फ्रेंड्स अब हमने ओपन कर लिया है शीशे को, अब इसकी स्टिप उतार लेंगे चार्जिंग फ्लेक्स से। अब सिग्नल के लिए वायर लगी है, इसको उतार लेंगे, फ्लेक्स को उठा लेंगे अब हम। फ्रेंड्स ये मसला चार्जिंग जैक का ही होता है, इसको ये अच्छी तरह मैं क्लीन कर लूँगा, ये अब चेंज कर दूँगा, दोनों ऑप्शन से हल हो जाएगा। बट ये आप देख सकते हैं इसका चार्जिंग जैक भी अंदर से थोड़ा सा क्रैक है, इसी वजह से इसको चेंज ही कर देना बेटर ऑप्शन है। अब इसको चेंज ही कर लेंगे, रैंडम सेट को मैं रिस्टार्ट करता हूँ एक दफ़ा। चार्जिंग जैक को उतार लूंगा मैं, चार्जिंग जैक मैंने उतार लिया। अब मैं इस एरिया को अच्छी तरह से क्लीन करूंगा, इसके लिए इसका जैक चाहिए होगा, टेक्नो इंफिनिक्स जैक सेम ही लगता है इनको। अब इसके लिए मुझे अब ये चार्जिंग जैक चाहिए था एक अलग, तो फ्रेंड इसको सबसे पहले ये पॉइंट सोल्ड कर लेंगे, ये पांचों पॉइंट। तो फ्रेंड इसका फर्स्ट और इस तरफ से फर्स्ट और इस तरफ से फर्स्ट ये होते हैं चार्जिंग के लिए, बाकी पॉइंट हैं डेटा ट्रांसफ़र के लिए, ओ टी
3G कनेक्शन के लिए और सॉफ्टवेयर करना हो जाए तो उनके लिए होते हैं। हमेशा जब चार्जिंग जैक लगाएं तो कोशिश किया करें इसके पांचों पॉइंट आपको बोर्ड के साथ स्टिप के साथ कनेक्ट करें, वरना फिर चार्जिंग तो हो जाएगा, कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा, वो डीजी कनेक्शन नहीं कनेक्ट करेगा, तो उसमें फिर ये इशू आते रहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब ये देख सकते हैं, अब ये पॉइंट सॉल्व हो चुके हैं, तो अब ये इसको अपनी जगह पे रख देंगे और फिर से इसको लगाएंगे। ये हीट से हीट गन से लगाना बड़ा ही आसान है। फ्रेंड अब ये जैक लग चुका है, फ्रेंड आपने ये ज़्यादा हीट इसके ऊपर नहीं देनी, इसके अंदर ये प्लास्टिक लगी होती है, ये पिघल ना जाए, आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब ये देखें, ये पॉइंट भी कनेक्ट हो चुके हैं पांचों, ये अब अपनी जगह पे कनेक्ट हो गए हैं अब। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनको मज़ीद सोल्ड कर देते हैं अब हम। सोल्ड हो चुका है, जैक लग चुके हैं, इसको अब हम इसको अपनी जगह पे लगा देते हैं। सबसे पहले इस प्लास्टिक इसके ऊपर लगा देंगे, लगाने से पहले ज़रा आप इसको भी ज़रा एक दफ़ा अच्छी तरह वॉश कर लें। तो फ्रेंड्स अब इसको हम अपनी जगह पे लगा देंगे, सिग्नल के लिए वायर लगा देंगे, पहले इसकी स्टिप लगा देंगे चार्जिंग जैक के लिए। तो स्टिप लग चुकी है फ्रेंड्स, अब ये सिग्नल के वायर लग गई है, और अब इसका है रिंगर, और अब हम सेट फोन करते हैं। तो फ्रेंड अब देखते हैं क्या ऑप्शन आता है उसको, ये अब क्लियर होता है या नहीं होता। तो फ्रेंड अब ये ऑन हो चुका है, इसको चेक करते हैं। देखो फ्रेंड्स अब नोटिफिकेशन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, ये बार बार ODG कनेक्शन कनेक्टेड आ रहा था, अब वो भी नहीं आ रहा। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।